अनुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जी पुराना पुराना शुरू करें आरंभ करें 150 जी जी। इसके पहले गत कक्षा में अभी जो चल रहा है कक्षा उसमें बात चल रही थी वैयाकरणों और मीमांसकों के बीच में मतभेद चल रहा था। वैयाकरण तिंग का अर्थ कर्ता और कर्म मानता है और उसने प्रमाण दिया था वैयाकरण ने ल कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः ये सूत्र ही हमारे मत में प्रमाण है कि कर्ता कर्म ओ तिंग का अर्थ है ये वैयाकरण ने प्रमाण दिया था। तो मीमांसकों ने कहा कि ल कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः में जो कर्तरी और कर्मणि पद है कर्तरीकृत से कर्तरी पद आता है च से तो कर्तरी और कर्मणि पद जो सूत्र में उपात्त है वो धर्म निर्देश है शक्ति निर्देश है अर्थात कर्तृत्व और कर्मत्व अर्थ है। और कर्तृत्व क्या है कृति रूप है क्योंकि नैयायिक कृत्याश्रयत्व कर्तृत्व मानता है तो कर्तृत्व कृति ही अथवा व्यापार है तो कर्तृत्व कृति रूप है व्यापार रूप है और कर्मत्व फल रूप है। इसलिए तिंग का अर्थ जो है वो ल कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्य इस सूत्र से हमारा मत ही पुष्ट होता है। ये मीमांसकों ने कहा कि तिंग का अर्थ भावना ही होता है क्योंकि तिंग से जो है वो कर्तृत्व अर्थ में अर्थात भावना अर्थ में अथवा कृति अर्थ में लकार का विधान किया गया है। इसलिए लकार का या तिंग का अर्थ जो है वो क्या है कि लकार या तिंग का अर्थ जो है वो भावना ही होती है कर्ता कर्म नहीं हो सकता ये नैयायिकों ने और मीमांसकों ने अपने रीति से कहा। तो वैयाकरण ने उसका समाधान दिया कि ऐसा है कि आप जो है इसका दो रीति से समाधान दिया वैयाकरण ने एक स्व सिद्धांत रीति से और एक पर सिद्धांत रीति से समाधान दिया। स्व सिद्धांत रीति से क्या समाधान दिया था तो स्व सिद्धांत रीति से समाधान दिया था कि हमारा एक नियम है अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ जो अन्य से लभ्य न हो वही किसी का अर्थ होता है। तो यहां पर फल और व्यापार धातु से लभ्य होता है इसलिए तिंग की फिर उसी अर्थ में शक्ति नहीं माननी चाहिए क्योंकि अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ फल और व्यापार अन्य धातु लभ्य है फिर धार फिर जो है तिंग उसी फल और व्यापार में तिंग की शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। ये स्व सिद्धांत रीति से समाधान दिया। पर सिद्धांत रीति से समाधान क्या है तो पर सिद्धांत ये है कि मीमांसक कहेगा कि अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ यही नहीं कहते हो आप वैयाकरण जो अन्य से लभ्य न हो तो हमारे मत में भावना जो है वो अन्य लभ्य नहीं है धातु लभ्य नहीं है क्योंकि हमारे मीमांसकों के मत में फल मात्र धातु का अर्थ होता है भावना जो है वो प्रत्यय का अर्थ होता है तो भावना हमारा जो है वो धातु लभ्य नहीं है तो भावना वो अनन्य लभ्य ही है अन्य से लभ्य नहीं है इसलिए भावना अर्थ में हम तिंग की शक्ति मान सकते हैं। ऐसा मीमांसकों ने जब कहा तो वैयाकरण ने दर्शनांतरीय रीति से दूसरा समाधान दिया कि यदि आप कहो कि अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ हमारे मत में भावना जो है वो अन्य लभ्य नहीं है धातु लभ्य नहीं है इसलिए तिंग की शक्ति
हम जो है भावना अर्थ में मान सकते हैं, कृति अर्थ में मान सकते हैं, नैयायिक कहे कि कृति अर्थ में मान सकते हैं, और क्योंकि अनन्य लभ्य ही हमारा कृति और भावना है, नैयायिक कहेगा अनन्य लभ्य कृति है, मीमांसक कहेगा अनन्य लभ्य भावना है, तो वैयाकरण कहता है कि भैया ऐसा कहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप जो भावना अर्थ तिंका अर्थ कर रहे हो, आप जो नैयायिक कृति अर्थ जो तिंका अर्थ कर रहे हो, वो कर्तरी और कर्मणि पद का कर्तित्व और कर्मत्व रूप अर्थ समान करके कर रहे हो, कि कर्तित्व कर्तरी जो है वो धर्मी परक नहीं है, धर्म परक निर्देश है, अर्थात कर्तित्व और कर्मत्व अर्थ है, तो कर्तित्व और कर्मत्व किम रूप है, तो कृति और भावना रूप है, तो आप मान सकते हैं जो है, तो इसका मतलब कि हम मीमांसक कृति और भावना तीन का अर्थ मान सकते हैं, तो भैया कर्ण का नहीं नहीं मान सकते, कहा क्यों, कह देखिए इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आप जो यहाँ पर चौपद से कर्तरी पद ले आते हो, कर्तरीकृत से ले आते हो, किससे लाते हो, कर्तरीकृत पद सूत्र से ले आते हो, अनुकर्षण करते हो, तो कर्तरीकृत से जब यहाँ पर अनुकर्षण आप करते हो, कर्तरीकृत में चाहे नैयायिक हो, चाहे मीमांसक हो और चाहे वैयाकरण हो, सभी लोग कृत प्रत्यय का कर्ता अर्थ ही मानते हैं। पाचक में जो डबुल प्रत्यय है उस डबुल प्रत्यय का आश्रम में कर्ता अर्थ ही मानते हैं, चाहे मीमांसक हो, चाहे वैयाकरण हो और चाहे कोई हो, वो डबुल प्रत्यय का आश्रय ही अर्थ मानता है। तो कहा कर्तरीकृत में आप डबुल जो कृत प्रत्यय है उस या कर्तरीकृत से विहित जो कृत प्रत्यय है उस कृत प्रत्यय का आप कर्ता ही अर्थ मानते हो, धर्मी ही अर्थ उसका करते हो, तो जब धर्मी अर्थ वहां कर्तरीकृत में आप धर्मी अर्थ करते हो तो यहाँ पर वही आएगा, तो आप उसको जो है कर्तित्व कैसे बना दोगे, माने उसको धर्म परक कैसे बना दोगे, धर्म परक करने में गौरव होगा अर्थात शब्दाधिकार करना पड़ेगा और तुल्य योग क्षेम का निर्वाह नहीं हो पाएगा। तुल्य योग क्षेम का मतलब है कि अलब्ध लाभ योग, अलब्ध लाभ को योग कहते हैं, जो प्राप्त नहीं है, हमारे पास 100 रुपए नहीं है तो हम उसको सेवा वृत्ति के द्वारा या किसी प्रकार से हम उस 100 रुपए का लाभ कर लें तो उसको योग कहते हैं, और उस 100 रुपए की रक्षा करना क्षेम कहलाता है, प्राप्त संरक्षणम क्षेम इत्युच्यते, प्राप्त का रक्षण को क्षेम कहते हैं। तो कहने का मतलब होगा कि कर्तरीकृत, तो यदि हम कर्तरीकृत से कर्तरी पद को ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य में चकार से अनुकर्षण करके लाएंगे और यहाँ कर्तित्व अर्थ करेंगे तो हमारा योगक्षेम का निर्वाण नहीं हो पाएगा, योगक्षेम का निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर आप मीमांसक भी कर्तरी का धर्मी अर्थ करते हो, कर्ता अर्थ करते हो, यहाँ आएगा तो कर्तित्व भावना अर्थ कर दोगे, तो ये ठीक नहीं है, तुल्य योग क्षेम नहीं हो पाएगा। ये दर्शनांतरीय रीति से समाधान दिया कि आपके मत में गौरव होगा और तुल्य क्षेम का निर्वहन नहीं हो पाएगा, अर्थात जिस प्रकार से कर्तरीकृत में धर्मी अर्थ है उसी प्रकार से धर्मी अर्थ करोगे तभी योग क्षेम का निर्वाह हो पाएगा, अन्यथा यदि वहां पर कर्तरी का कर्तरीकृत में कर्तरी का कर्तरी कर्ता अर्थ करो, धर्मी अर्थ करो, यहाँ पर कर्तरी का कर्तित्व अर्थ करोगे तो योग क्षेम नहीं हो पाएगा। ये वैयाकरण ने दर्शनांतरीय रीति से समाधान दिया जो कि आप गत कक्षा में पढ़ चुके, ये बात समझ आ गई, गत कक्षा की बात स्मरण हो गई। गुरु जी ये गौरव बता शब्दाधिकार में गौरव ये समझ नहीं आ रहा है गुरु जी, ये तो समझ आ गया गुरु जी। हाँ उसका मतलब ये है अनमोल, तो देखिए शब्दाधिकार का मतलब है जैसे कर्तरीकृत है ना, तो कर्तरीकृत में कर्तरी पद जो है, कर्तरी में जो कर्ति पद है उसका अर्थ क्या है, धर्मी, धर्मी है गुरु जी, धर्मी माने कर्तृत्ववान, कर्तृत्ववान, कर्तृत्ववान माने कर्ता, कर्ता, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर नैयायिक मीमांसक लाके क्या करता है, कर्म धर्म कर्तित्व,
कर्तृत्व और का कर्तृत्व माने भाव भावना और या तो कृति, कर्तृत्व कृति या तो भावना, तो कृति और भावना अर्थ हो जाएगा और भावना अर्थ में हम लकार कर लेंगे और तीन का अर्थ भावना होगा, ऐसा कह रहा था ना। ठीक है जी गुरु जी जी। तो अब ध्यान दीजिए, वहां पर जो कर्तरी पद है उस कर्तरी पद का अर्थ क्या है? धर्मी, कर्तृत्व, धर्मी, हाँ धर्मी कर्ता। और यहाँ पर कर्तृत्व, तो अब यहाँ पर इसका मतलब वहां अलग अर्थ है और यहाँ पर अलग अर्थ है ना? जी गुरु जी, जी। दोनों अलग 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 अर्थ का बोध कराने के लिए अलग अलग अर्थ निरूपित शक्ति माननी पड़ेगी ना। जी जी, क्योंकि शक्ति होगी। अरे भाई कर, कर, घट पद से घट रूप अर्थ का बोध क्यों होता है? क्योंकि घट पद में कम मुग्रीवाद मदर्थ निरूपित शक्ति है ना? जी जी। कर्तरीकृत में कर्तिपद, कर्तिपद जो है उस कर्तिपद में कर्त रूपार्थ निरूपित शक्ति है, कर्त रूप अर्थ की माने धर्मी रूप अर्थ निरूपित शक्ति है। तो वहां की जो शक्ति है वहां की शक्ति अलग हुई, यहाँ पर कर्तन पद आया तो केवल शब्द मात्र आएगा ना। जी सब माने अर्थ सहित शब्द नहीं आएगा, यहाँ करके उस कर्ता का अर्थ बदल जाएगा। तो अर्थ बदल गया इसका मतलब शब्दाधिकार हुआ, माने शब्द मात्र आया यहाँ पर कर्तृपद में, अब कर्तित्व अर्थ निरूपित शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। जी गुरु जी, तो नए नए संबंध की कल्पना, नई शक्ति की कल्पना, नए कार्यकारण भाव की कल्पना। कार्यकारण भाव का मतलब हुआ कि कर्तरीकृत में जो कर्तरी पद है वहां पर कृत स्थल में कर्त जो पद है वो धर्मी रूप अर्थ का बोधक होता है, ये कार्यकारण भाव। यहाँ पर जो आया कर्तरी पद तो लकर्मच भाव चाकर्म के व्यय में जो कर्त पद है वो धर्म रूप अर्थ का बोधक होवे, तो ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। तो शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी, तो कार्यकारण भाव भी बनाना पड़ेगा, तो गौरव होगा। अर्थाधिकार में गौरव नहीं होता है, नई शक्ति मानने की जरूरत नहीं है, नया संबंध मानने की जरूरत नहीं है, नए कार्यकारण भाव की कल्पना की करने की जरूरत नहीं है। तो हमको अर्थाधिकार में गौरव है, अर्थात कर्तरीकृत में जो कर्त पद है वहां पर जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ भी होगा, तो अर्थाधिकार। और यदि अर्थ बदल गया तो शब्दाधिकार, शब्दाधिकार का मतलब शब्द मात्र आएगा उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा, समझे अनमोल? जी गुरु जी जी समझे गुरु जी। इस प्रकार से गौरव होने लगेगा, शब्दाधिकार में गौरव होता है, अर्थाधिकार में लागव होता है कि नए एक ही शक्ति से काम चलता है, एक ही संबंध से काम चलेगा, नए शक्ति नए संबंध नए कार्यकारण भाव की कल्पना की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ गया? जी जी समझ आ गया गुरु जी जी। ये सब गत कक्षा में हमने आप लोगों को बता दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था। अब जो है एक नई अब नया वैयाकरण कर रहा है कि ऐसा है, अब मीमांसकों को सलाह दे रहा वैयाकरण भाई बन करके कि ऐसा है कि आप जो है अपिच अब पंक्ति देखिए सब लोग, आप लोग अब पंक्ति चल रही है दूसरे सार में कि यहाँ तक पढ़ा दिया था कई कर्तरीकृत इति च औला कर्मण इत्यनेन तुल्य योग क्षेमम, ये बात गत कक्षा में यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है अब चलेगा अपिच मीमांसका नाम कृतामिव आख्याता नाम अपि कर्तिवाचित्वम अस्तु भावनायाः एव आक्षेपेण कृतादिवत् प्रतीति संभवे वाच्यत्वम मास्तु। अब ये वैयाकरण सलाह दे रहा है कि ऐसा है, एक चीज देखिए कि जो मीमांसक है ना, चाहे कोई भी दार्शनिक हो, कृत प्रत्यय स्थल में जैसे पाचक है, पाचक पाचक जो है तो पच से, तो पाचक में वो करता क्या है कि पच पाचक यहाँ पर पच का अर्थ मीमांसक क्या कर, वैयाकरण का पहले समझ लीजिए,
वैयाकरण पच से विकलित अनुकूल व्यापार अर्थ की उपस्थिति कराएगा कि पच माने विकलित अनुकूल व्यापार अनुकूल व्यापार डबल प्रत्यय का अर्थ होता है कर्तर से कर्ता अर्थ रूप में आए तो कर्ता कर्ता माने आश्रय ठीक है तो इसका मतलब अब इसका मतलब पूरा आप क्या हुआ विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय आश्रय विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय कर्ता ये जो है ये पाचक का अर्थ हुआ या शब्द बोध हुआ अर्थ माने शब्द बोध शब्द जन अर्थ बोध हुआ वैयाकरणों के यहाँ विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय ठीक है जी। अब मीमांसकों के यहाँ ये मीमांसक कहेगा कि यहाँ पर जो है पच का अर्थ क्या है फल मात्रम धातु प्रत्यय क्या अर्थ है फल मात्र माने पच का अर्थ क्या हुआ विकलित्ति विकलित्ति ठीक है और डबुल प्रत्यय का अर्थ क्या मानेगा मीमांसक आश्रय कर्ता कर्तरि मानता है ठीक है जी कर्ता मानता है तो अब देखिए उसके यहाँ डबुल प्रत्यय का अर्थ हुआ आश्रय कर्ता कर्ता को आश्रय को एक ही चीज है ठीक है और पच का अर्थ है विकृति तो विकृति और आश्रय है व्यापार तो यहाँ पर पाचक में किसी का अर्थ नहीं है न पच का है न डबुल का है बात समझ आ गई जी गुरु जी व्यापार का ज्ञान नहीं हो पा रहा व्यापार व्यापार किसी का अर्थ नहीं है लेकिन वो शब्दबोध करता है वो कहता है उसके यहाँ बोध क्या होता है विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय यही बोध होता है उसके यहाँ तो कहे भैया व्यापार आया कहाँ से उसके यहाँ तो कहा कि देखिए व्यापार उसके यहाँ आता है आक्षेप करता है कैसे आक्षेप करता है कि देखिए कर्ता जो है डबुल प्रत्यय का अर्थ क्या होगा कर्ता कर्ता क्या है कारक है कारक बिना क्रिया के हो सकता है क्या नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो यहाँ पर कर्ता कर्ती मतलब कर्ता अर्थ में जो प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में प्रत्यय कर्त रूप अर्थ जो है वो अनुपन्न है कर्त रूप अर्थ जो है यहाँ पर बिना भावना के हो नहीं सकता इसलिए कर्ता के जिस प्रकार से पीनोयम देवदत्त दिवा न भूखते यहाँ पर रात्रि भोजन का आक्षेप कर लेते हैं उसी प्रकार से कर्तित कर्ता के अनुपन्न होने के कारण कर्ता बिना क्रिया के भावना के नहीं हो सकता इसलिए क्रिया या भावना व्यापार का आक्षेप कर लेता है मीमांसक तो उसके यहाँ आक्षेप से लाभ होता है व्यापार का और व्यापार से आक्षेप आक्षेप से व्यापार आया और वो आक्षेप से व्यापार ला करके और उसका जो है प्रतीत करा देता है तो बोध हो जाता है शब्द बोध हमें वो भी विषय बन जाता है विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय करता विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय ये बोध कर लेता है व्यापार अर्थ का लाभ कृत प्रत्यय स्थल में मीमांसक जो है वो आक्षेप से करता है भावना अर्थ का लाभ भावना व्यापार अर्थ का लाभ उसके यहाँ आक्षेप से होता है क्योंकि कर्ता अर्थ में कर्ता रूप अर्थ बिना भावना से नहीं हो सकता एक और इस प्रकार से भी कह सकते हो कि कर्ता अर्थ में प्रत्यय हो रहा है पच धातु से जी, तो अब यहाँ पर भावना तो है नहीं तो भावना है नहीं तो फिर कैसे कर्तबोधक प्रत्यय होगा तो आक्षेप से लाभ करके कर्तबोधक प्रत्यय कर लिया तो कर्त प्रत्यय अनुरोधे न भावनाया आक्षेप अर्थात पाचक में भी भावना रूप अर्थ की प्रतीति होती है भावना रूप अर्थ शब्द बोध का विषय बनता है ये इसी प्रकार से आक्षेप कर लेता है बात समझ आ गई जी गुरु जी 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 गुरु तो वही अब वही तो वैयाकरण कहता है कि ऐसा है मीमांसक जी आप पाचक में मैंने कृत प्रत्यय स्थल में जिस प्रकार से
आप भावना का आक्षेप करते हो और प्रत्यय का अर्थकर्ता मानते हो पाचकों में, उसी प्रकार से पचति में भी तिंग का अर्थ मानो कर्ता और भावना का आक्षेप से लाभ कर लो। तो आप भावना का आक्षेप से लाभ क्यों नहीं कर लेते कि जैसे कृतार्थ स्थल में आप भावना का आक्षेप करते हो और प्रत्यय का अर्थकर्ता मानते हो और पाचक से का शब्द बोध कर लेते हो विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय करता, उसी प्रकार से आप तिंगंत कृदंत स्थल की तरह तिंगंत पचति स्थल में माने पाचक इस कृदंत स्थल की तरह पचति इस तिंगंत स्थल में भी आप भावना का आक्षेप से लाभ कर लो और तिंग का अर्थ कर्ता मान लो आप, क्योंकि कर्तृत्व अर्थ नहीं कर सकते तो आप भावना का कहे कि आप भावना किसका अर्थ करें, भावना का बोध कैसे करेंगे, तो भैया कर सलाह दे रहा है कि आप भावना का पांच कह की तरह यहाँ भी आक्षेप से लाभ कर लीजिए तो आपका यहाँ पर भी आपका बोध हो जाएगा कि एक कर्तवृत्ति भावना, एक कर्तवृत्ति विकलित अनुकूला भावना। आप यहाँ पर हाँ तो आप यहाँ पर जो है भावना धातु का अर्थ मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन आप आक्षेप से लाभ कर लो। हम नहीं कह रहे कि तुम धातु का ही अर्थ मानो, जैसे पाचक में धातु का अर्थ नहीं मानते फिर भी आक्षेप से भावना का लाभ करते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लो। इसी बात को कह रहे हैं कि अप च पंक्ति जो है उसको एक बार देखिए, अब कह रहे हैं यही बात वैयाकरण कह रहा है कि जब मीमांसकों ने कहा कि हम जब जो है नहीं कर पाएंगे तो भावना तीन का अर्थ भावना नहीं मानेंगे तो भावना अर्थ की प्रतीति कैसे होगी, तो भैया कर रहा अप च मीमांसका नाम कृतामिव, मीमांसक जिस प्रकार से कृत कृत अंत स्थल में कृतामिव कृत प्रत्यय प्रत्यानामिव आख्याता नाम अपि, जिस प्रकार से कृत प्रत्यानाम कृत प्रत्ययों का आप जो कृत प्रत्यय स्थल में आप जो है कृत प्रत्यय का कर्ता अर्थ मानते हो कर्तव्य कृत के अनुरोध से, उसी प्रकार से आख्यात माने तीन का आख्याता नाम अपि माने आख्यात माने तीन का भी आप कर्तृवाचित्वम अस्तु कर्ता अर्थ मानो और भावना या एवं आक्षेपेण और भावना का आक्षेपेण माने आक्षेप से कृदादिवत प्रतीत संभवे, कृदादि स्थल की तरह उसकी प्रतीति भी हो जाएगी। कृदादिवत जिस प्रकार से पाचक में भावना की प्रतीति होती है उसी प्रकार से भावना की प्रतीति हो जाएगी। वाच्यत्व मास्तु भावनाया तिंग वाच्यत्व मास्तु, भावना तिंग का अर्थ है ऐसा आपको भी मानने की जरूरत नहीं है। आपको मैं आप जो है धातु का फल मात्र अर्थ मानो और आख्यात का कर आख्यात का कर्ता अर्थ मानो और भावना का आक्षेप से लाभ करो तो आपके यहाँ कोई विरोध होगा ही नहीं न सिद्ध आपके फल मात्रम धातु अर्थ, ये जो आपका सिद्धांत है इस सिद्धांत में विरुद्ध नहीं होगा। और आक्षेप से लाभ भावना का करिए, तब मीमांसक कह रहा है कि भैया कर्ण भाई साहब ऐसा यदि आप हमको सलाह दे रहे हो ना वो सलाह आपका ठीक नहीं है। मीमांसक अब कह रहा है क्या क्यों ठीक नहीं है, तो आगे अब कह रहे हैं कि आगे मीमांसक कह रहा है कि तथा सति प्राधान्यम तस्याह न स्यात्। वैयाकरण ही मतलब मीमांसकों की तरफ से ही वैयाकरण कह रहा है, मीमांसक कह रहा है कि ऐसा है तुम मुझे बहुत अच्छा सलाह दे रहे हो कि सिद्धांत भंग नहीं होगा, लेकिन ऐसा है भैया कर्ण जी मीमांसक कह रहा है कि यदि हम भावना का आक्षेप से लाभ यहाँ करेंगे तो हमारे यहाँ अंतर है। क्या अंतर है कि देखिए यहाँ भावना का यदि हम आक्षेप से लाभ करेंगे तो यहाँ पर हम भावना को क्या बनाते हैं, भावना को विशेष्य, हमारे यहाँ भावना मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है। मीमांसकों के यहाँ मीमांसकों का सिद्धांत क्या है, भावना मुख्य विशेषक शब्द बोध शुरू में लिखाया था कि भावना जो है वही मुख्य होता है, सभी पदार्थ उसी में अन्वित होते हैं। तब मीमांसक कह रहा है कि भावना का यदि हम आक्षेप करेंगे तो देखिए कह ध्यान दीजिए भैया कर्ण को कह रहा है मीमांसक कि पाचक में
मैं आक्षेप करता हूं तो आक्षिप्त भावना जो है वो प्रत्यार्थ में विशेषण होता है। तो विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय, व्यापार आश्रय के संबंध से विशेषण है, प्रत्यार्थ की प्रधानता है वहां पर। कृदंत स्थल में प्रत्यार्थ प्रधान है, लेकिन तिंगंत स्थल में तो भावना वहां पर गुणीभूत है पाचक में, तो हम वहां आक्षेप कर सकते हैं, विशेषणी भूत का आक्षेप कर सकते हैं, वहां विशेषण बन रहा है तो आक्षेप कर सकते हैं। लेकिन पचति में जब हम आक्षेप करेंगे भावना का, तो यहाँ भी गुणीभूत होने लगेगा, जिस प्रकार से कृदंत स्थल में गुणीभूत होता है। लेकिन हमको भावना यहाँ पर विशेष रूप में चाहिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत है भावना मुख्य विशेषक शब्द हो। यदि हम तिगंत स्थल में भावना का आक्षेप से लाभ करेंगे, भावना का कृदंत स्थल की तरह, कृदंत स्थल में यदि हम जो कृदंत स्थल की तरह तिगंत स्थल में यदि हम भावना का आक्षेप से लाभ करेंगे, तो भावना की प्रधानता नहीं हो पाएगी कृदंत की तरह। जैसे कृदंत स्थल में भावना आक्षेप किया गुणीभूत है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भावना हमारी गुणीभूत होने लगेगी, भावना की प्रधानता नहीं हो पाएगी। इसलिए भैया हमको तिंग का अर्थ ही मानना पड़ेगा भावना, और तिंग का अर्थ मानेंगे तभी प्रत्यार्थ की प्रधानता होगी और हमारा भावना प्रधान होगा। यदि आक्षेप से लाभ करेंगे तो उसकी उस भावना की प्रधानता नहीं हो पाएगी। इसलिए भैया कर्ण जी आप मुझे सलाह मत दीजिए। कह दिया कौन? मीमांसक। मीमांसक ने तो भैया कर्ण कहता है कि ऐसा है मीमांसक जी, तो भैया कर्ण इस मीमांसक के युक्ति का खंडन करते हुए कह रहा है कि यदि आप मीमांसक यह कहो कि यदि हम तिंगंत स्थल में भावना का आक्षेप से लाभ करेंगे तो भावना की प्रधानता नहीं हो पाएगी, और हमको भावना तिंगंत स्थल में प्रधानीभूत चाहिए, तो यदि हम आक्षेप करेंगे तो कृदंत स्थल की तरह यहाँ हमारी भावना गुणीभूत होने लगेगी। यदि ऐसा मीमांसक तुम कहो तो नहीं कह सकते इति चेत न। अब भैया कहा कि ऐसा नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते आगे कह रहा, तो अब पंक्ति पढ़ेंगे तो आप देखिए तथा सति, वही भैया कह रहा है कि तथा सति माने यदि हम भावना का आक्षेप करेंगे तो प्राधान्यम तस्या न स्यात् इति चेत न। कि यदि ऐसा कहना चाहो आप मीमांसक, यदि ये कहना चाहो कि तिगंत स्थल में भी यदि हम भावना का आक्षेप से लाभ करेंगे तो उसकी प्रधानता नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कहो तो नहीं कह सकते इति चेत न। क्यों नहीं कह सकते? तो लिख रहे हैं कौंड भक्त कि घटम आनय इत्यादौ आक्षिप्त व्यक्तेरपि प्राधान्यवत उपपत्ते। इसका मतलब वैयाकरण एक कह रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि घटम आने इत्यादि की तरह आप वैयाकरण कह रहा है कि घटम आने में जिस प्रकार से आप आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता मानते हो ना, मीमांसक आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता मानता है, क्या उसी प्रकार से यहां भी प्रधान हो जाएगा। आक्षिप्त पदार्थ जो है वो प्रधान नहीं होता है, ऐसा आप मीमांसक यदि कहना चाहो तो नहीं कह सकते। क्यों? कि आप मीमांसक आक्षिप्त पदार्थ जो है उसको भी प्रधान मानते हो। कि कहां मानता हूं? तो भैया कर्ण ने उत्तर दिया कि घटम आने इत्यादि स्थल में। अब ध्यान दीजिए, वैयाकरण नैयायिक और मीमांसकों में पदार्थ के लिए मतभेद है। क्या पदार्थ? नामार्थ के विषय में मतभेद है, प्रातपदिकार्थ के विषय में मतभेद है कि किसी भी नाम माने प्रातपदिक, नाम और प्रातपदिक एक चीज है, नाम और प्रातपदिक एक है। हम नामार्थ कहें या प्रातपदिकार्थ कहें, नाम माने प्रातपदिक, नामार्थ माने प्रातपदिकार्थ,
तो ध्यान दीजिए, जैसे घट प्रातिपदिक है तो घट प्रातिपदिक का क्या अर्थ है तो नैयायिक अलग मानता है, वैयाकरण अलग मानता है, अमीमांसक अलग मानता है, तीनों का अलग अलग मत है। क्या क्या मत है कहा कि देखिए घट कहने से घट और घटत्व दो आता है, तो घट पद से घट नाम से घट प्रातिपदिक से घट घट और घटत्व, घट माने जो घट रूप अर्थ है जिसमें जल भरा हुआ है, हाँ जो आकृति विशेष है तो वह घट व्यक्ति उसको कहते हैं घट व्यक्ति। तो घट का घट शब्द का अर्थ हुआ घट व्यक्ति और घटत्व घटत्व। तो भैया क्या कहता है जाति आ रही घटत्व, हाँ जाति, तो घटत्व जाति और घट व्यक्ति माने घटत्व विशिष्ट घट, घटत्व विशिष्ट जो घट व्यक्ति, घटत्व जाति विशिष्ट घट व्यक्ति, ये अर्थ होता है घट शब्द का। ये कहता है कौन वैयाकरण, वैयाकरणों का मतलब वैयाकरणों का सिद्धांत है जाति विशिष्ट व्यक्ति प्रातिपदिक का अर्थ होता है। नैयायिक जो है वो कहता है कि व्यक्ति जो है वो प्रातिपदिक का अर्थ है व्यक्ति। तो अथवा सूत्रकार के मत में तो तीनों होता है, सूत्रकार कहते हैं जात्याकृत व्यक्तया पदार्थ, जात्याकृत व्यक्तया पदार्थ, वो एक वचन सूत्रकार लिखे हैं, इसका मतलब उनके यहाँ जात्याकृत जाति आकृति और व्यक्ति तीनों पदार्थ है सूत्रकार की रीति में। न्याय का सूत्र है जात्याकृत व्यक्तया पदार्थ, पदार्थों में एक वचन है, एक वचन इसीलिए किया है कि तीनों मिलकर के एक पदार्थ है, इसलिए एक वचन किया है सूत्रकार ने, ये सूत्रकार का मत है। लेकिन सूत्र की जो व्याख्या वगैरह करते हैं तो व्याख्याकार कुछ ऐसे नैयायिक है जो व्यक्ति अर्थ में शक्ति मानते हैं प्रातिपदिक की, कि माने व्यक्ति अर्थ होता है, और मीमांसक जो है वो जाति में शक्ति मानता है, मीमांसक तो जाति में ही शक्ति मानता है। घट पद का अर्थ है घटत्व, क्या मानता है घट शब्द, घट शब्द माने घट प्रातिपदिक, घट प्रातिपदिक माने घट नाम, घट नाम का घट नाम घट रूप जो शब्द है उसका अर्थ मानता है घटत्व जाति मीमांसक। तो लिख के रख लीजिए, मीमांसकों के मत में घटत्व, नैयायिकों के मत में घट व्यक्ति, वैयाकरणों के यहाँ जाति विशिष्ट घट व्यक्ति जो है जाति विशिष्ट व्यक्ति वो प्रातिपदिक अर्थ है, पंचकम प्रातिपदिक अर्थ वैयाकरण मानता है। वैयाकरणों का सिद्धांत है कि जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक सभी प्रातिपदिक अर्थ है, सभी प्रातिपदिक के अर्थ है कारक तक, पंचकम प्रातिपदिक अर्थ ये वैयाकरण मानता है। जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक ये सारे अर्थ जो है वो प्रातिपदिक के ही है, प्रत्यय प्रत्यय उन अर्थों का द्योतक होता है, ये वैयाकरण का सिद्धांत है। तो जो भी हो तो जाति विशिष्ट व्यक्ति अब यही मानिए, तो जाति विशिष्ट व्यक्ति वैयाकरणों का प्रातिपदिक अर्थ हुआ, जाति हुआ मीमांसकों का और व्यक्ति हुआ नैयायिकों का, ये बात समझ आ गई जी। तो अब जो है वैयाकरण का, तो अब देखिए मीमांसकों के यहाँ घटम आने कह दिया, तो घटम आने कहने से जाति आता है कि व्यक्ति आता है, घट व्यक्ति का आने होता है नहीं, घट व्यक्ति जो है व्यक्ति का ही तो आने हुआ, तो व्यक्ति आया। तो अब ध्यान दीजिए, तो घटम आने कहने से घट व्यक्ति का ही आनयन होता है, तो अब मीमांसक को भैया कहेगा या अन्य दार्शनिक वाले कहेंगे कि ऐसा है आपके यहाँ घट का अर्थ तो घटत्व है, तो आप घट व्यक्ति कैसे ले आ रहे हो? तो मीमांसक उत्तर देता है कि जाति घटत्व जाति जो है वो बिना व्यक्ति के रह नहीं सकती, इसलिए उसका आश्रय हमको कोई चाहिए, जाति जो है किसी आश्रय के अधीन रहेगी, इसलिए आश्रय जो है घटत्व का, घट शब्द का अर्थ जो घटत्व है जाति, उस जाति से तदाश्रय व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है, क्योंकि घटत्व जो है बिना व्यक्ति के रह नहीं सकता,
इसलिए व्यक्ति का जो है आक्षेप अनुपन्नत्व न आक्षेप होता है, और अनुपन्नत्व आक्षेप होने पर शब्द बोध में भान होता है। तो आक्षिप्त व्यक्ति जो है वो हमारा शब्द बोध में विषय बनता है। बात समझ आ गई? तो ये मीमांसक उत्तर देता है कि व्यक्ति का हम जो है आक्षेप करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है घटत्व विशिष्ट जो घट व्यक्ति है उस घट व्यक्ति का आनयन होता है, ये करता है मीमांसक। तो मीमांसकों के यहाँ घट व्यक्ति का जो बोध होता है वो आक्षेप से होता है। ये बात समझ आ गई? जी गुरुजी, आक्षेप होता है, प्रधानता भी उसी की होती है। हाँ प्रधान, अरे प्रधान हुआ ना, घटत्व घट व्यक्ति में विशेषण है, और घट व्यक्ति जो है घट व्यक्ति जो पदार्थ है उस पदार्थ का ही विशेष होगा, तभी तो पदार्थ होगा। तो पदार्थ है तभी उसका आनयन आनयन पदार्थ में होगा, घटत्व का आनयन पदार्थ में थोड़ी अन्वय होता है, घट व्यक्ति का ही होता है। तो पदार्थ हुआ ना जी, तो पदार्थ मैंने पदार्थ मैंने विशेष से ही तो प्रधान हुआ, इसका मतलब घटत्व विशिष्ट घट व्यक्ति का आनयन होता है, और घट व्यक्ति का ही आनयन आनयन जो पदार्थ है उसमें अन्वय होता है। तो पदार्थ पदार्थ अन्वित, तो घट पदार्थ घट व्यक्ति पदार्थ हुआ उनके, और तभी आनयन पदार्थ में उसका अन्वय होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। पदार्थ पदार्थ अन्वित घटत्व पदार्थ एक देश ये नियम भंग होने लगता है। तो घट व्यक्ति की, तो यहाँ पर घट व्यक्ति जो है वो पदार्थ है मतलब विशेष से होता है, घटक घट माने में घटत्व विशेषण है, घट व्यक्ति विशेष होता है मतलब आनयन क्रिया के साथ आनयन मतलब उसकी क्रियाकारिता जो होती है वो। गुरुजी आपका माइक बंद हो गया। नहीं सुन रहे जी। हाँ फोन आ रहा था, एक फोन आने लगा इसलिए जो है कट गए। हाँ बात समझ आ गई? तो घट व्यक्ति की प्रधानता माना ना? जी जी माना प्रधानता। तो अब वही भैया कर कहा कि भैया मीमांसक जी आप कह रहे हो कि यदि पचति में तिंगंत स्थल में भावना का आक्षेप करेंगे तो भावना की प्रधानता नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कहो तो नहीं कह सकते इति चेत न, क्यों कह घटम आने में आप आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता कर सकते हो, और आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता आप वहां कर सकते हो, और व्यक्ति का आक्षिप्त से ही बोध करते हो, तो आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता आप कर सकते हो, तो आक्षिप्त भावना को आप जो है प्रधान मानने में आपका क्या बिगड़ जाएगा? आक्षिप्त को कहीं प्रधान न मानते होते तो मैं कह सकता था कि आप प्रधानता नहीं मानते तो आप करोगे भैया, आप कर सकते हो। आप आक्षिप्त को आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता मानते हो तो यहाँ पर भी आक्षिप्त भावना की प्रधानता मान सकते हो, तो भावना का ही आक्षेप से लाभ करिए, ये भैया करण ने समाधान दिया। तो वही कह रहे हैं कि घटमान इत्यादि आक्षिप्त व्यक्ति रपि प्राधान्यवत उपपत्ते, जिस प्रकार से घटमाने में आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता मान प्रधानता होती है उसकी तरह यहाँ पर भी उपपत्ति हो जाएगी, माने भावना की प्रधानता प्राधान्य रूप भावना की उपपत्ति माने सिद्धि हो जाएगी। आप आक्षेप करोगे तो प्रधानता नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। हाँ चलो आगे। अब गुरु जी, हाँ बोलिए गुरुजी, पाचक और पचती दोनों में मीमांसक जो हैं ये भावना मुख्य विशेषक शब्द बोध मानते हैं कि उनका सिद्धांत कुछ अलग है? गुरुजी पचती में ही तिंगंत स्थल में ही भावना मुख्य विशेषक शब्द बोध मानते हैं। जी गुरुजी पचती अपने पाचक में नहीं मानते, अपने कृदंत स्थल में तो प्रत्यार्थ प्रधानता मानते हैं। देखो जी, जी। वो क्यों मानते हैं मीमांसक? इसीलिए मानते हैं कि उनके यहाँ एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? मीमांसक कहता है प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूत तयो प्रत्यार्थ से प्राधान्य, प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूत तयो प्रत्यार्थ से प्राधान्यम, ये नियम है उनके यहाँ। माने प्रकृति और प्रत्यय एक यदि एक साथ अर्थ के लिए बोला जाए तो वहां पर प्रधानता किसकी होगी? प्रकृत्यर्थ विशेषण होगा, प्रत्यार्थ प्रधान होगा। तो आप ध्यान दीजिए,
पाचकों में प्रकृत्यर्थ हुआ विकृति, प्रत्यर्थ हुआ आश्रय, प्रत्यर्थ कर्ता, तो कर्ता अर्थ की तो प्रधानता मानता है मीमांसक जी 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 गुरु जी। और पचति में कहा कि प्रत्यर्थ, यहाँ पर भी वही नियम है कि प्रत्यर्थ भावना है और प्रत्यर्थ भावना प्रधान है जी गुरु जी। तो मीमांसकों क्या प्रकृति प्रत्यय प्रत्यर्थ से उत्तराधान बात समझा गई दोनों स्थल। तो वहां प्रत्यर्थ करता है तो कर्ता की प्रधानता मानता है, यहाँ प्रत्यर्थ तिंकार्थ भावना है इसलिए भावना की प्रधानता मानता है, इसलिए भावना की प्रधानता मानता है। वैयाकरण, वैयाकरणों के यहाँ अलग है, वैयाकरणों के यहाँ जो है तिंगंत स्थल के लिए नियम है भाव प्रधान माख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, ये निरुक्त वचन प्रमाण है। और भुआ देव धातु सूत्रस्थ भाष्य प्रमाण है कि हमारे यहाँ व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है, वो इनके यहाँ अलग होता है, वो आगे कथा आएगी उसकी, वो जब आएगी तब उसकी कथा कहेंगे जी 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 गुरु। अब वो सुनिएगा आगे बात, ये सब बातें आएंगी। भैया कर इसका खंडन भी करेगा कि ऐसा है, मीमांसक कहेगा आप प्रत्यर्थ नहीं मानते, प्रधानता आपके यहाँ नहीं होगी, तीन का अर्थ कर्ता मानोगे, यदि नहीं मानोगे तो भैयाकरण कहेगा ऐसा है प्रत्यर्थ प्रधान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रत्यर्थ प्रधान ही होता है। जैसे अजा है वो बहुत दृष्टांत देगा, अभी बहुत दृष्टांत भैयाकरण बहुत दृष्टांत देगा कि अजा है तो अजा में प्रत्यय कौन है, ताप, ताप का अर्थ है, ताप का अर्थ है स्त्रित्व, स्त्रित्व क्या तो स्त्रित्व रूप जो अर्थ है वो प्रकृत्यर्थ अज में विशेषण होता है, स्त्रित्व विशिष्ट अज का बोध होता है, प्रकृत्यर्थ में स्त्रित्व विशेषण होता है, अज विशिष्ट स्त्रित्व ऐसा कोई नहीं कहता है कि आप स्त्रित्व विशिष्ट अज कहीं कहते हो, पुरुष तो विशिष्ट अज कहते हो, तो और ताप का अर्थ है स्त्रित्व, तो यदि आप जो है प्रत्यर्थ प्रधान ही होगा ऐसा नहीं कर सकते, ये सब बातें आगे आएंगी, ऐसा जी गुरु जी जी ये सब कथा चलेगी। तो कहने का मतलब ये होगा तो मीमांसकों का जो है, जो मीमांसक कह रहा था कि भैया हम यदि जो है यहाँ आक्षेप करेंगे भावना का तो भावना की प्रधानता नहीं हो पाएगी, तो भैया कहने कहा कि ऐसा को तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है हम जो है घटमाने की तरह जिस प्रकार से घटमाने में आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता मानते हो उसी तरह आक्षिप्त भावना की भी प्रधानता हो सकती है, कोई दोष नहीं है। अब मीमांसक फिर तो मीमांसक को पराजित कर दिया वैयाकरण कि ऐसा नहीं है, इसलिए कर्तृत्व अर्थ भी नहीं कर सकते आप, और आप कर्तृत्व अर्थ करके कर्ता अर्थ में लकार और किंका का विधान भी नहीं कर सकते, सूत्र भी प्रमाण नहीं हो सकता आपके यहाँ, तो आपके यहाँ और ये सब भी बातें नहीं कर सकते जो अभी किया। तो अब मीमांसक फिर खड़ा हो गया, कहा ऐसा है देखिए हमारे यहाँ प्रमाण जो है ना एक नियम है, लिख लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ अब जाऊंगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर ही वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक नियम है हाँ दिख रहा है, एक नियम है लिखिए, विवरण विब्रियमारयो हो नहीं दीजिएगा सर जी पैसा। अब देखो टेंशन लोगे तो टेंशन है जी, अब हमला चलाए चले नहीं भाई चलाना नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, विवरण विप्रिय मारयो हो समानार्थकत्वम, ये एक नियम है कि विवरण और विप्रिय मार जो है उसका समान अर्थ होता है, दोनों का समानार्थकत्व है दोनों में जो है, तो कहा कि विवरण किसको कहते हैं, तो कहे विवरण माने व्याख्यान, विवरणम व्याख्यानम, विवरण का अर्थ है व्याख्यान और विप्रियमाय का अर्थ है व्याख्येय,
तो विवरण माने व्याख्यान, व्याख्या और विप्रियमान माने व्याख्येय। तो व्याख्यान और व्याख्येय का अर्थ एक होता है, समान माने एक, अर्थकत्व माने एक अर्थ होता है, व्याख्यान और विवरण का एक अर्थ होता है। ये बात समझ आ गई? तो देखिए देखिए यहां पर जो है ना पचति में पच प्लस ती, यही है ना। तो पचति का अर्थ है, पचति का अर्थ है ये बात समझ आ गई, पचति माने पचती है और इसका अर्थ है पाकं करोती। तो पच से आ गया पाकम, पाकम माने फल, पाकम माने फल, और करोती माने व्यापार। बात समझ आ गई, पाकम करोती। तो अब कह रहा है कि देखिए अब इस बात को समझिए। अब ये कह रहे हैं मीमांसक, कह दिया कि देखिए भाई मीमांसक कहता है कि विवरण विप्रियमान, अब नया उन्हें करके तैयार हो गया लड़ने के लिए कि देखिए एक नियम है। मीमांसक कहता है कि विवरण विप्रियमान का समान अर्थ होता है, अर्थात विवरण माने व्याख्यान और विप्रियमान माने व्याख्येय। तो व्याख्येय और व्याख्यान का समान अर्थ होता है, एक अर्थ होता है। तो देखिए पचति है व्याख्येय, पचति की व्याख्या क्या है पाकं करोति, तो दिखा रहा था पाकं करोति, ये उसका व्याख्यान है। पचति जो है हाँ आवाज आ रही है, तो पचति का जो व्याख्या है व्याख्यान है वो पाकं करोति है। पाकं करोति में पाकम जो अर्थ है वो पाकम अर्थ किसका है, कहे पाकम पाकम पच का अर्थ है। तो फल अर्थ जो है वो पच से आ गया, धातु से आ गया, और करोति माने व्यापार, तो इसका मतलब करोति जो अर्थ है वो किसका अर्थ है, कहे करोति जो अर्थ है वो ती का अर्थ है। तो इसका मतलब दो अंश हमारा जो है व्याख्या में है और उसके व्याख्यान में भी दो अंश है। तो इसी प्रकार से फल और व्यापार जो हमारा क्या कहते हैं व्याख्यान हो रहा है, तो हमारा पचति कहने पर फल और व्यापार अर्थ आ रहा है। और वो अर्थ कैसे आया, कि वो अर्थ आ गया हमारा जो है पच से पच पाकम और क्री से ती से अर्थ आ गया करोति। इसका मतलब फल फल अर्थ जो है वो धातु का है और ती का अर्थ है करोति माने व्यापार। तो हमारा ये जो विप्रियमान और विवरण है, जो विवरण है उस विवरण से पता चलता है कि हमारा अर्थ जो है विवरण से पचति का जो पाकं करोति विवरण है उस विवरण से पता चलता है। क्या पता चलता है कि ती का अर्थ जो है वो व्यापार है, प्रत्यय का अर्थ जो है वो व्यापार है, एक कह दिया मीमांसक ने। तो ध्यान दीजिए वही कह रहा है कि पचत इत्यादौ पाकं करोति इति भावनायाः विवरण दर्शनात् वाच्यत्वमिति। तो मीमांसक ने कहा कि जिस प्रकार से पचति में हम जो है पचति का हम विवरण करते हैं व्याख्यान करते हैं पाकं करोति, पाकं करोति में ती का विवरण जो है वो करोति है, तो हमारा जो करोति जो है वो भावना जो है वो ती से आ रहा है। तो विवरण तो हम ती का विवरण करोति है और करोति व्यापार, करोति में व्यापार, तो व्यापार रूप जो अर्थ है वो हमारा अर्थ जो है किससे आ रहा है ती से आ रहा है। तो व्यापार जो अर्थ है वो हमारा किसका है
टी का अर्थ है तो फलमात्म धातु प्रत्यय व्यापार प्रत्यर्थ, तो विवरण को देख करके पचति के पचति का जो पाकं करोति विवरण है, गच्छति का जो गमनं करोति विवरण है, लिखति का जो लेखनं करोति विवरण है, पठति का जो पठनं करोति विवरण है, इन विवरणों को देख करके पता चलता है कि जो है टी का अर्थ जो है वो व्यापार है। तो वैयाकरण ने कहा कि ऐसा कहो तो नहीं कह सकते, क्यों? तो देखिए फिर एक देख लीजिए, यहां पर जो है मीमांसकों ने कहा कि ए है, वैयाकरण कहता है कि देखिए ऐसा है, एक और देखिए विवरण। वैयाकरण ने कहा कि पच है और ती है, ठीक। पच का क्या अर्थ है? दिख रहा है पाकानुकूल या विकृत अनुकूल कर सकते हैं, विकृत अनुकूल पाक माने विकृति, विकृत अनुकूल कर देते हैं, पाकानुकूल की जगह कर दीजिए विकलित अनुकूल, अनुकूल अति का अर्थ है वैयाकरण कहता है कि देखिए पच का अर्थ है, कह कि पचत का अर्थ है विकलित अनुकूल व्यापारवान करता, तो ये भी तो विवरण है, पचत का विवरण, पचत का ही तो विवरण है विकलित अनुकूल व्यापारवान करता। तो कहा कि विकलित अनुकूल व्यापारवान करता है किसका अर्थ है? पचत क्या? पचत हुआ विव्रियमान माने व्याख्या विवरण, और उसका व्याख्यान हाँ नहीं, उसका विवरण क्या है? विकृत अनुकूल व्यापारवान करता। तो विकृत अनुकूल व्यापारवान किससे अर्थ आया? विकृत अनुकूल व्यापार जो अर्थ आया वो पच से आया और ती का अर्थ हुआ करता मतु पला। तो अब ध्यान दीजिए, तो एक वैयाकरण कह दिया कि आप जो है व्यापारार्थक विवरण किए हो, विवरण केवल एक ही होता है ऐसा नहीं है, कहे कि विवरण जो है आपने व्यापार प्रधानक विवरण बनाया है। मीमांसकों को कहा कि पचति का पाकं करोति, ये व्यापारार्थक विवरण है, व्यापार प्रधानक विवरण निदम, ये पचति का जो व्याख्यान है ये व्याख्यान कैसा है? तो कहते हैं कि ये व्याख्यान पचति का व्यापार प्रधानक विवरण है पाकं करोति, लेकिन पाकानुकूल व्यापारवान करता के ए भी व्याख्यान हो सकता है, इसको कहते हैं कर्त प्रधानकम विवरण, कर्त प्रधानक विवरण है। तो ऐसा है कि आप जो विवरण बना रहे हो वही विवरण प्रमाण होगा, हमारा विवरण प्रमाण नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। तो विवरण विप्रिय माने हो समानार्थकत्व में, आप कहोगे पाकं करोति में ती कर ती से करोति आया है, और मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, पाकं करोति में मैं कहूंगा पाकानुकूल व्यापार ये पच से आया है और कर्ता जो है वो ती से आया है। तो कर्त कर्त प्रधानक विवरण जब बनाएंगे तो कर्ता हमारा ती से आएगा, तो ती हमारा जो है दिखाई पड़ेगा, हमारा कर्त प्रधानक विवरण बना लिया, तो इससे पता चलेगा कि ती का अर्थ कर्ता है। बात समझा गई? तो समझा गया जी, तो वही कर जी, तो भैया भैया करने अभी यहाँ पर थोड़ा टूट रहा है, आज थोड़ा सा और 5-10 मिनट पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे की पंक्ति छूट जाएगी, आगे की पंक्ति भी इसी से लिंक है, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ करेंगे तो फिर से ये सारी बातें फिर से हमको दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए आज थोड़ा 10 मिनट और चलेगा कक्षा, क्योंकि आगे की पंक्ति भी इसी से संबद्ध है, छोड़ देंगे जी गुरु जी। तो ठीक है,
अब कह दिया वही कह रहा है कि पाकम, एक बार पंक्ति देख लीजिए, पचत इत्याद पाकम करो इति भावनाया विवरण दर्शनात वाच्यत्वम इति चेत न, तो मीमांसक ने जो मीमांसक जी कहे कि पचति में पाकं करोति ये भावना जो है टीका विवरण है, करोति जो है वो करोति ये जो भावना विवरण है वो इस विवरण को देख करके हम टीका विवरण है और तीन का अर्थ व्यापार है ऐसा कहे तो इति चेत न, कह क्यों कह पाका अनुकूल व्यापार वत कर्तुर अपि विवरण विशेषता विशेषात, कह भैया पचति का पाकानुकूल व्यापार वत कर्तुरपि, अरे पाकानुकूल व्यापार मान करता ये भी विवरण हो जाएगा और ये भी पचति का ही व्याख्यान कहलाएगा, एक कर्तृ प्रधान विवरण है आपका व्यापार प्रधान विवरण है ये अलग बात है, लेकिन आपका विवरण जो है वो व्यापार प्रधान का है और उस विवरण को देख करके तीन का अर्थ व्यापार होगा और कर्त। आचार्य जी आप मौनी बन गए, जो है ये भी तो विवरण है कर्ति प्रधान विवरण और यहाँ तीन से ही कर्ता अर्थ आ रहा है इस विवरण में तो तीन का अर्थ कर्ता होगा, तब कह रहे हैं तो मीमांसक कहेगा भैया ऐसा है न चाह कर्तु विवरणम तात्पर्यार्थ विवरणम, तब मीमांसक कहेगा आपका विवरण तात्पर्यार्थ विवरण है और हमारा भी पाकम तो वही कह दिया आपका विवरण तात्पर्यार्थ विवरण है पाकं करोती थी अशब्दार्थ कर्मत्व विवरणवत, इस प्रकार से पाकं करोती इत्यादि में अशब्दार्थ जो कर्मत्व विवरण है पाकं करोती में पाकम जो है वो हमारा क्या है पाकम करोती में कर्म रूप अर्थ दिखाई पड़ रहा है, बात समझ रही है, तो पाकं करोती में जो कर्म रूप अर्थ दिखाई पड़ रहा है तो ही कह दिया कि अशब्दार्थ कर्मत्व विवरणवत तात्पर्यार्थ विवरण है और इतरेतर इतरेतर योग द्वंद्वे समुच्चयांश विवरण विवरण वा न तदर्थ निर्णय कमिति वाच्यम, तो कहे भैया कह ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो, मीमांसक यदि ये कहे कि कर जो पाकानुकूल व्यापारवान करता ये कर्ति प्रधान विवरण है वो तात्पर्यार्थ विवरण है और जिस प्रकार से इतरेतर योग जिस प्रकार से धव खदिरव छिंदी में साहित्य रूप जो अर्थ है साहित्य रूप अर्थ की भी प्रतीति होती है, ये ध्यान में रखिए धव खदिरव में साहित्य रूप अर्थ की प्रतीति होती है और साहित्य रूप और जो अर्थ है वो धव का है न खदीर का है न च का है न जो है धव खदिरव में औ का है, लेकिन जो है वो उसकी साहित्य की प्रतीति होती है शब्द बोध में, तो वही कर दिया इतरेतर योग इतरेतर योग द्वंद में जिस प्रकार से समुच्चयांश विवरण जो है तदर्थ का निर्णायक नहीं होता है उसी प्रकार से कभी, इसलिए आपका जो है विवरण जो है वो ये मीमांसक कहना चाह रहा है पंक्ति को नहीं लगा के सीधी बात ये कहना चाह रहे हैं भैया का कि भैया यदि मीमांसक आप मीमांसक यदि ये कहना चाहो कि जिस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद में या पाकं करोति में पाकं में जो अम अर्थ है वो पचति में अम कहीं कर्म है क्या नहीं है, तो पाकं करोति में पाकं में अम व्यक्ति है ना कर्म रूप अर्थ है ना, तो पाकं करो पचति का जो अर्थ पाकं करोति है पचति में अम अर्थ किसी का नहीं है, तो जिस प्रकार से अमर्थ जो अमर्थ कर्मत्व है वो अशब्दार्थ है, अशब्दार्थ भी विवरण अशब्दार्थ भी विवरण बना न पचति का अर्थ बना न पचति का अर्थ कर्म भी हुआ पाकम करोति में, तो वो अशब्दार्थ है वो किसी का अर्थ नहीं है, और इतरेतर योग द्वंद में जो समुच्चय रूप अर्थ है वो धव खदिरों में किसी का नहीं है समुच्चय रूप अर्थ, तो जिस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद में समुच्चय रूप अर्थ है और पतति का पाकं करोति जो है धव खदिरों में समुच्चय रूप अर्थ जो है वो धव का है न जो है औ का है न खदिर का है न च का है किसी रूप किसी का नहीं है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं पचति का जो पाकं करोति में अम है
अमर्थ कर्मत्व है, वो न पच, पचत में पच का अर्थ है न ती का अर्थ है, लेकिन वो शब्द बोध में विषय बनता है। तो वहां पर अशब्दार्थ विवरण है, तो उसी प्रकार से ताका अनुकूल व्यापारवान करता जो है वो हमारा जो है, तो वो आपका जो तात्पर्यार्थ विवरण है वो तात्पर्यार्थ विवरण जो है वो अर्थ को के निर्धारण में प्रमाण नहीं हो सकता। तो वैयाकरण कहता है भैया कि आपके यहाँ भी भावनायाम अपि तुल्यत्वात्, अर्थात अशब्दार्थ भी विवरण हो सकता है। जिस प्रकार से पच्यति का पाकं करोति विवरण किया, पाकम में अमर्थ कर्मत्व अशब्दार्थ है, किसी न पच का अर्थ है न ती का अर्थ है। धव खदिरो में समुच्चय रूप अर्थ न धव का है न खदिर का है न औ का है, लेकिन समुच्चयांश की प्रतीति होती है जो है जब विवरण करते हैं, धवश्च खदिरश्च जब उसका विवरण करते हैं तो समुच्चयांश विवरण की प्रतीति होती है। तो कहे जिस जब अशब्दार्थ अशब्दार्थ भी विवरण हो सकता है, अशब्दार्थ विवरण जो है वो क्या कहते हैं किसी के अर्थ के अर्थ में निर्धारण नहीं निर्धारक नहीं हो सकता, तो भावना वो भावना प्रधानक जो विवरण है वो भी आपका तदर्थ निर्णायक नहीं हो सकता, अर्थात व्यापार रूप अर्थ को कहने में समर्थ नहीं हो सकता। ये बात कह दिया, अर्थात मीमांसकों ने मीमांसकों को वैयाकरण ने उत्तर दे दिया कि भैया ऐसा है अशब्दार्थ भी विवरण बन सकता है, अशब्दार्थ विवरण बन सकता है तो हमने भी पाकानुकूल व्यापारवान करता शब्दार्थ विवरण मानोगे तो आपका भी अशब्दार्थ विवरण बनेगा, अशब्दार्थ विवरण बनेगा तो अशब्दार्थ जो पाकं करोति में अशब्दार्थ विवरण है, तो अशब्दार्थ विवरण जब जो है किसी के शब्द का अर्थ ही नहीं है और वो भी व्याख्यान बन सकता है तो आप उसको प्रमाण बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो भावना में भी विवरण जो है वो प्रदान नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं विवरण जो है वो किसी के अर्थ में निर्धारक नहीं हो सकता, ये वैयाकरण ने समाधान दे दिया। इसलिए पाकं करोति को पचति के पचति का जो पाकं करोति विवरण है उस विवरण को यदि जो है आप प्रमाण मान करके ती का अर्थ करोति है और व्यापार रूप अर्थ करोति अर्थ ती से आ रहा है तो ती का अर्थ व्यापार होगा, ये यदि विवरण से तुम मीमांसक बनाना चाहो तो नहीं बना सकते, ये वैयाकरण कह दिया। भावनायाम अपि तुल्यत्वात्, बात समझ में आ गई? हेलो अनमोल जाह्नवी जी, जी बात समझ में आ गई? हाँ, तो आज इतना ही रखते हैं, यहाँ तक हो गया भावनाएं पे तुल्यता, इसको अगली कक्षा में और बता देंगे, लेकिन मानसक इतना ही कहना चाहता है कि अशब्दार्थ विवरण यदि हमारे को कहोगे तो आपका भी अशब्दार्थ विवरण तो होता ही है, पचत का विवरण पाकं करोत कियो तो अब पच का अर्थ है न ती का अर्थ है अमर्थ कर्मत्व, लेकिन विवरण बनाए तो विवरण बनाए और धव खदिरों में धवश्च खदिरश्च समुच्चय रूप जो अर्थ है वो आप व्याख्यान बनाए धवश्च खदिरश्च च के द्वारा, तो वो न धव का अर्थ है न खदिर का अर्थ है न औ का अर्थ है, तो इसलिए आप जो है अशब्दार्थ विवरण आपके यहाँ भी अशब्दार्थ भी विवरण बनता है और यदि अशब्दार्थ विवरण बन सकता है तो उससे आप जो है किसी के अर्थ का निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि अशब्दार्थ भी विवरण होता है। तो ती का तो करोति जो है वो शब्दार्थ विवरण है, ये कैसे करोगे? एक बात, दूसरी बात एक और समझ लो कि वैयाकरण कहेगा कि देखिए पचति में पच है, आप पाकं करोति करते हो ना, तो पाकं करोति में आपका करोति में वित्ति है और पचति में वित्ति है, करोति में वित्ति है तो ती दोनों में समान है और पच क्री जो है वो पच से आ रहा है, तो क्री जो अर्थ है वो धातु का ही अर्थ है क्योंकि ती दोनों में समान है, करोति में वित्ति है पचति तो ती दोनों में समान और पच का अर्थ हुआ पचक्री, तो क्री अर्थ जो है वो धातु का ही अर्थ है। आप कहो कि ती का अर्थ करोति है तो नहीं कर सकते क्योंकि ती का अर्थ तो ती है,
करोत में जो ती है वही ती का अर्थ है, करोत ती का अर्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। बात समझा गई जी गुरु जी? हाँ बस आज इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा में फिर जो है करेंगे चर्चा जो है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।